मामला तो महानाजायज मामला है। एक कहावत आवे ठाडा मारे और सोण दे नी, खाट खोस ले सोण दे नी, ठाडा मारे रोण दे नी। तो बेटा बड़ा बेटा है, इसको पढ़ाया, इसकी घरवाली को सर्विस लगाया, इसको लगाया, और इनको पोती को पढ़ाया, इसको बनाया, इस डीएसपी बनी, बलराम जो है पोता उसको तहसीलदार बनाया। ये मेरे शत्रु बन गए। मैंने सब कुछ किया, ये मेरी घेटी पकड़ के लिया, मेरे को मेरे सामने मेरे बेटे को जो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे तीन बार तो स्टंट डलवाया इसने गंगाराम मरोड़ ले जाके, और ऐसे मेरे बेटे को मेरे सामने जो इन्हें पीटा है, मारे है, बच गया भगवान की दया से। मेरे को ही फेंक के मारे गीतिका ने, बलराम ने, मेरे भी चोट लगी है, मेरा कुल्ला टूट गया था, मैं गिर गया था, मेरा दर्द अब भी, और मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे। ये धक्के से मेरे मकान के ऊपर और धक्का करके ये कब्जा करना चाहता है। सारे बाग बाग जो है आज तीनों भाइयों का है, मैं भी, मेरा भी उसमें तीन एकड़ का हिस्सा है, वो तो सारा बाग ये काबू करें बैठे हैं। सारी मेरी जायदाद थी मोड़ के ऊपर, तीन एकड़ ज़मीन बढ़िया करोड़ों की, वो सारी इसके नाम मैंने करा दी थी। कोई बड़ा बेटा है जो सारी काबू करे बैठा है, इसने अन्याय मेरे ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं भाई जाऊं तो जाऊं कहाँ, ऐसी गंदी औलाद मैंने पैदा कर दी, जो बाप को बख्शे नहीं, भाई को बख्शे नहीं, पोतों को बख्शे नहीं। एक मेरी पुत्र वधु है, वो डॉक्टर है, पीएचडी है, और उसको भी पीटे है, और वो गीतिका अंदर आ करके, वो गीतिका का एक धमका पड़ गया था, वो टों से फिर तो पुलिस वाले हमारे पास है, वो अंदर मेरे मकान मेरे को धक्का दे गया, घेर के वहाँ पड़े उसका। तो ये सबूत है मेरे पास सारा, इनको ये नाजायज काम करने लगे हैं। भाई बताओ मेरे को, और मेरे मकान के ऊपर बिल्कुल इनका कोई हक नहीं है। मैं बैठा हूँ मेरे मकान, मैंने बांटे को नहीं, कुछ भी नहीं इनको बताइए। ये धक्का ग्राम बैठा है सारी ज़मीन पर, सारे बाग पर, सारे इंपॉर्टेंट लैंड जो है काबू ग्राम बैठा है। यूरोपति खरपति बन गया, कहाँ से बन गया, कहाँ से आए इसके पास पैसे? सारा सारे भाइयों का माल तो ये खाए बैठा है खुद। अरे यो यो पापी जो है हमें तंग करने लग रहा है, यो मकान मेरा है, यो मेरा फलाना मेरा है। मैं यो प्रकाश का खुद का बनाया हुआ मकान में मैं रहता हूँ, इसमें लेटरिन बाथरूम की सुविधा है। पहले मेरे मकान में मैं रहता था, लेकिन ये मेरे को लिया है पिताजी, वहाँ दुख पाओ, लेटरिन बाथरूम को नहीं, उसमें मेरे पास यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ आ गया, इनको बड़ा दुख है, यो कह यो भी बोले मेरा है, ये प्रकाश का खुद का बनाया हुआ है, तीन साल में इसने बनाया, इसे सब कुछ सारी जायदाद लगा के इसने सारा मेहनत लगा के। अरे यो कह यो भी मेरा है, पीछे जो स्कूल बना रखे है वो भी मेरा है, ये सारा इसी का है, महाराज कुछ है ही नहीं। दादाजी मांग क्या करते हैं आप? हैं जी, क्या मांग है आप सरकार से, सरकार और प्रशासन से मांग क्या करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ, इसके ऊपर मुकदमा बना है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बना रखे है, पुलिस वालों को, पुलिस की मदद करके, डीएसपी की मदद करके, और हमारे ऊपर मुकदमा उन्होंने बना दिया,
और हम जो कहते हैं मुकदमा बनाओ तो ये वो कहते तीन सात दिन लगेंगे, मैं पुलिस वालों को फतेहाबाद की SP से पूछूंगा, फलाने से पूछूंगा, ये ऐसा तो पागल बना रहे हमें। मैं यहाँ घर पे सोया हुआ था, बुखार हुई हुई थी, घर पे बाहर गेट पे किसी ने घंटी बजाई, कुंडा खड़काया, और कुंडा खड़काने के बाद में मैं गया तो हमारे जो है गांव के फार्म पे जो एक मुजारा है राजू, वो गेट पे था। वो कहने लगा, जी मुझे चाबी दो, सफाई सफूई करनी है, कपास डालनी है। मैं कहा नहीं भाई, हम आपको चाबी कैसे देंगे, हमारे भाई भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है, मैं चाबी नहीं देता भाई, हम अपने आप बलराम से बात कर लेंगे, तू जा। वो कहने के बाद मैं चाबी लेके उसके घर के ताला लगाने के लिए गया तो वो गेट खुले हुए थे, और मैं अंदर गेट के बढ़ा हूँ, अंदर बढ़ते ही फिर आगे देखा शटर खुले थे। मैं और थोड़ा अंदर गया हूँ तो वहाँ अंदर जाते ही वहाँ सुरबराहट मुझे सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था और मेरे साथ वो मार पिटाई पे उतर गए। कौन कौन थे वहाँ पे? बलराम के साथ चार जवान और एक तो जो मेरे साथ यहाँ राजू था वो भी साथ गए, उसने भी मेरे को पकड़ लिया। तीन अंदर ऑलरेडी वो थे और उन्होंने 3 मिनट तक मेरी खूब पिटाई की, और मैं पिटता गेट के पास आ गया। मैंने गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया, अभी मंगा मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, तुम मेरे घर में आए क्यों। फिर वो ज़बरदस्ती कूट काट के गेट खोल के मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई भाई, अरे बेटा कहाँ आओ भाई, कहाँ गए, मेरे को तो मार दिया बाजो। फिर मेरी मिसिस गई, मैंने कहा भी तू डंडा ले गया, मेरा तो कर दिया काम। वो इतने वहाँ से निकल के भाग गए, फिर वो डंडा ले गया, मैं उसके पीछे भी भाग गया थोड़ी देर, मगर बलराम रुक भाई, तो वो चले गए। फिर मैंने ये सारी बातें मेरे बेटे को बुलाया, वो बाहर था, धर्मवीर को बताई, उन्होंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, 112 पे किया, भाई इस तरह वारदात होगी, फटाफट आओ। 9 या 10 मिनट के बाद में गीतिका अपनी जो है जो DSP है सरकारी गाड़ी जो है दुर्गा शक्ति लेके, उसमें अपने बॉडीगार्ड दो पुलिस जवान तीनों बाप बेटे, नायब तहसीलदार बलराम, गीतिका DSP, उसके पापा सत्यवीर जाखड़, डंडों से लैस हो गए। आए आते ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और ये वारदात जो उन्होंने पहले की वो मेरे मकान से दूर है, ये मेरे मकान पे पहुँच के वहाँ धर्मवीर मेरा बेटा खड़ा था, उसका आते ही उसके थप्पड़ मारे हैं, फिर मेरे चिमड़ गई, फिर मेरे दादाजी वहाँ पहुँच के पिताजी, उनको भी उन्होंने फटकार दिया, उनको भी चोट लगी। आखिर ये इन्होंने जो वारदात नहीं करनी थी, ये मेरे मकान पर बैठे हैं, तो निकल यहाँ से बाहर, तू क्या मांगता है, मेरा बनाया हुआ है। फिर हमने वो जो है वो वारदात करते रहे, कुटाई पिटाई करते रहे, ये सारी CC कैमरे में कैद हैं।